तो देख सकते हैं ये 2 केजी हमारा आम सूख गया है। और इसमें जो मसाले चाहिए वो हमें हैं लाल मिर्च पाउडर 2 बड़े चम्मच, सौंफ 1.5 चम्मच, कलौंजी 1.5 चम्मच, और ये मैंने 2 चम्मच जीरा, 3 चम्मच धनिया और 1 चम्मच मेथी, 1 से 1.5 चम्मच मेथी दाने को हल्का रोस्ट कर लिया। मेथी दाने को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद तवा बंद कर देंगे और उसके ऊपर ही हम ये धनिया और जीरे को डाल देंगे। इससे हमें क्या होगा ना, ग्राइंडर में पीसने में आसानी हो जाएगी। बट मेनली हमें जो रोस्ट करना है ना, थोड़ा हल्का भूनना है, वो ये देखिए मेथी को ही भूनना है, बाकी इनको भूनना नहीं है, बस गर्म तवे पे रख देंगे। और ये हमारा राई है, अगर आपके पास पीली वाली है तो और भी अच्छी है, उससे ज़्यादा टेस्टी बनती है। राई है 4 चम्मच, 4-5, जितना ज़्यादा आपको मसाला बनाना है उसके हिसाब से राई ही हम सबसे ज़्यादा डालते हैं। 4-5 चम्मच डाल दीजिए, और पीली वाली हो तो ज़्यादा बेटर है। और ये 1 कप मैंने अभी तेल लिया है, 2 कप इससे लगेंगे, अभी मैंने 1 कप डाला हुआ है, 1-2 कप लगेंगे इससे तेल, एक ऐसा एक और लगेगा। और स्वादानुसार नमक, तेल हम सरसों का ही लेंगे, उससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता है। तो और इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे, वो मैंने रखना भूल गई, सॉरी। ये देखिए हल्दी भी डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। तो चलिए अब हम इन मसालों को थोड़ा कूट लेते हैं मिक्सी में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सरसों को अलग से कूटूंगी क्योंकि ये साथ में नहीं कूटेंगे, इसे हल्का दरदरा ही कूटना है। और ये थोड़े खड़े बाकी सारे मसालों को कूट लूँगी, बट ध्यान रहे कलौंजी को बिल्कुल नहीं कूटना है। अगर आप साबुत ये ले रहे हो, मिर्च ले रहे हो, तो उसे भी अलग से ही कूटना है, इसके साथ नहीं कूटना है। अलग से मिर्ची और सरसों को अलग कूटेंगे और ये कलौंजी को कूटना ही नहीं है, इसे ऐसे ही डालेंगे हम, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मुश्किल से 2 या 3 पल्स में ऐसा हो जाता है। और हमें दरदरा ही रखना है, बिल्कुल भी इसे महीन नहीं बनाना है, 2-3 पल्स में ये ऐसा हो जाता है। अब इसे हम इसमें डाल देंगे सारा, और इसके बाद हम बाकी जो मसाले हैं उनको कूट लेते हैं। मैंने बस तो सिर्फ यही है। तो आप देख सकते हैं ये भी 2-3 पल्स में ऐसा हो जाता है, पूरा महीन नहीं करना। कुछ खड़े भी रहें तो प्रॉब्लम नहीं है, बट महीन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अचार में मिला देते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है और एक हाथ से ये मैंने पकड़ रखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अब हम सारे मसालों को, तो अब इसमें बाकी बचे मसाले भी डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे, हल्दी थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1/2 चम्मच से भी कम, या 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच से 1/2 चम्मच डाल देंगे। और ये अब हम तेल डाल देंगे और चम्मच हम इससे, 2 केजी है तो 1/2 चम्मच से आप बोल सकते हैं टेबल स्पून, 1, 2, 3 चम्मच डाल देंगे। बाद में हम थोड़ा चख के देख लेंगे, ऐसे अभी हम 3 चम्मच 1/2 चम्मच से डाला है। आप कह सकते हैं अभी अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको तेल कम लगेगा मिक्स करते समय, तो आप इसमें ऊपर से, इससे मैंने एक ये और भी डाला है, 2 तो कम से कम लगेंगे इस कप से। अब हम इसे मिला लें, दे सकते हैं हल्दी, मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं सोच रही थोड़ा हल्दी और डाल लेती हूँ। हल्दी के कलर, किसी किसी हल्दी में कलर थोड़ा कम होता है, तो मेरे हल्दी से मुझे 1 चम्मच हल्दी डालना पड़ गया। 1 चम्मच डाल सकते हैं, कम नहीं डाल सकते, हल्दी से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब इसे हम अच्छे से 5 मिनट तक तेल और मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना अच्छे से मिक्स करेंगे कि ये सारा हमारा जो
आम का टुकड़ा है वो अच्छे से कोट हो जाए। अगर आपको तेल कम लगता है तो और भी तेल डाल सकते हैं। ऐसे हम बाद में डालेंगे, जब इसे हम जार में डालेंगे उस समय भी हमें तेल की ज़रूरत होगी। तो अब हम इसे धूप में ऐसे करके रख देते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक चार में मिक्स कर करके डालेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना रह जाए, और फिर एक चार में भर देंगे। ये एक एक केजी का मेरे पास दो जार है, मैं इसमें थोड़ा सा स्पेस ऊपर में छोड़ देंगे क्योंकि इसमें फिर तेल से फिल करना होगा। नहीं, अंदर ऐसे दबा दबा के डाल देंगे। अब ये देखो लास्ट में ये जो बचा हुआ मसाला है वो दोनों में बराबर बराबर डाल देंगे ताकि कम ज़्यादा ना हो, या फिर आपको जिसमें कम लगे उसमें आप सारा और ऊपर से हम इसमें और तेल डाल देंगे। कम से कम इससे आधा कप तेल डालेंगे। तेल डालने से क्या होता है ना, हमारे अचार लंबे समय तक अच्छा रहता है। ये कच्चा तेल ही हम यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ पे कच्चा तेल ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा भी ना डाले तेल। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा यहाँ अचार बन के तैयार है। अब इसे हम दो दिनों तक धूप में ऐसे ही सुखाएंगे। आप देख सकते हो नीचे में तेल है। तेल अगर आपको कम लगे तो आप तेल और भी डाल सकते हैं, बट ज़्यादा तेल से आपका तेल वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हिसाब से ही डालें। और इसे हम धूप में रख देंगे। यहाँ पे हम एक कपड़ा बांध देंगे और उसके बाद ऐसे ही धूप में दो दिनों तक बार बार दिखाएंगे। तो उसके बाद दो दिनों के बाद हमें धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा तैयार हो जाएगा अचार। तो फिर ठीक है, बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।